हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दुकानें खुलने से पहले ही शराब लेने उमड़े लोग, व्यवस्था बिगड़ने पर दुकानें करवाई बंद। लॉकडाउन फेज 3 के पहले दिन ही जोधपुर शहर में व्यवस्था काबू से बाहर हो गई। यहां आज सुबह शराब की दुकानें खुलने से पहले ही लोग वहां पहुंच गए। दुकान खुलने तक वहां भीड़ जमा हो गई और दुकानें खुलने के बाद शराब लेने के लिए लोग कोरोना का खौफ भी भूल गए। उनमें किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखी। बाद में पुलिस कुछ दुकानों पर पहुंची और उन्हें सामाजिक दूरी बनाते हुए खड़ा किया। इसके कुछ देर बाद व्यवस्थाएं नहीं सुधरते देख इन दुकानों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। सोमवार को सुबह लॉकडाउन के दौरान रियायत मिलते ही शहर में परकोटे के बाहरी क्षेत्र में लोगों की चहल पहल शुरू हो गई। कई जगह शराब की दुकानों के बाहर लंबी लाइन नजर आई। लोग खुलने से पहले ही शराब की दुकानों के बाहर पहुंच गए। यहां काफी समय तक उन्होंने दुकानें खुलने का इंतजार किया। दुकानें खुलते ही ये लोग शराब लेने उमड़ पड़े। ये लोग किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे थे। कई लोगों ने तो चेहरे पर मास्क भी नहीं लगा रखा था। दुकानदार बार बार इन लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने और चेहरे पर मास्क या कपड़ा लगाने को कहते रहे, लेकिन शहरवासी जल्द से जल्द शराब लेकर जाने की जद्दोजहद में लगे रहे। बाद में सूचना मिलने पर पुलिस इन दुकानों पर पहुंची और व्यवस्थाएं सुधरवाई। कुछ घंटों बाद ही इन दुकानों को अस्थायी रूप से बंद करवाने के आदेश आ गए। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।